हेलो पीपल एंड वेलकम टू माई चैनल एंड इन अनदर वीडियो। तो आज का व्लॉग होने वाला है थोड़ा एक्साइटिंग, बिकॉज आज मैं जा रहा हूँ एक जगह पे जहाँ से मैं कुछ स्केचिंग और पेंटिंग का सामान लेने वाला हूँ। तो वो होने वाला है एक फ्लूइड आर्ट, आई एम गोना मेक अ फ्लूइड आर्ट, तो आपको साथ में लेके चलूँगा। कभी मैंने ट्राई नहीं किया है, लाइक स्केचिंग करता हूँ, मुझे स्केचिंग करना बहुत अच्छा लगता है, बट पेंट्स में मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो आप लोगों को लेके चलूंगा और दिखाऊंगा फ्लूइड आर्ट मैं कैसे बना रहा हूँ। तो आप लोग तैयार हो देखने के लिए, आ जाओ। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ, अभी जा रहा हूँ शॉप पे। यहाँ पे मेरे पास में, घर के पास में ही एक शॉप है आर्ट स्टेशन, तो वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ से कुछ सामान लेने वाला हूँ। तो आप लोग रेडी हो देखने के लिए मैं क्या सामान लेने वाला हूँ और क्या करने वाला हूँ? रेडी हो, आ जाओ। सो गाइज, आई थॉट पैदल मैं चल लूँगा, बट मास्क के साथ पैदल चलना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। आई गेस आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी मेरी बिकॉज ऑफ द मास्क, सो प्लीज़ इग्नोर दैट। यार शॉप आई नहीं रही है, कब से चल रहा हूँ मैं, थक गया। जल्दी आ जा दुकान, बस यही, बस चल रहे हैं, चल ही रहे हैं। One eternity later. Finally, a worthy opponent. Our battle will be legendary. आ गया हूँ घर, बहुत सारा सामान लेके आया हूँ। स्टोर में मैं कुछ शूट कर नहीं पाया बिकॉज वहाँ पे व्लॉगिंग अलाउड नहीं थी एंड कुछ फोटोग्राफी भी अलाउड नहीं थी, तो इसलिए। बट फिर भी आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने कुछ छोटे चोरी चोरी शॉट्स लिए हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा एंड उसके साथ साथ मैं क्या क्या लाया हूँ आपको वो भी दिखाऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको मिलाऊंगा मेरी मम्मी से। तो मम्मी हाय, इधर देखना, ये कैमरा है ना उसमें। ओके हाय, और लाइक करने को बोलो। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। शेयर भी करें। क्या कर रही हो आप? मैं कढ़ी बना रही हूँ, पालक की कढ़ी। बाय बोल दो। बाय। तो गाइस शुरू करते हैं, मैं आपको मेरा सामान दिखा दूँ जो मैं लाया हूँ। तो शुरू करेंगे फ्लूइड एक्रेलिक कलर रेडी टू पोर का पूरा एक किट है, ये पहली चीज है जो मैं लेके आया हूँ। दूसरी चीज़ है फेविक्रिल के एक्स्ट्रा एक्रेलिक कलर, इसका आई गेस 12 का पूरा सेट है, ये लाया हूँ। उसके साथ मैं लाया हूँ मेरे सॉफ्ट पेस्टल्स, कैमल के हैं। सो बेसिकली ये चॉक टाइप, लाइक इनका कंसिस्टेंसी जैसा चॉक होता है ना वैसा है, इससे भी मैं पेंट लाइक स्केचिंग या ड्राइंग जो भी हो गया वो करता हूँ। चौथी चीज़ है कैमल के पोस्टर कलर्स, ये भी जब मैं पेंटिंग करने बैठता हूँ तब ये यूज़ होता है। उसके साथ है ये एक्स्ट्रा फ्लूइड कलर्स जो कि है वाइट, लाइट ब्लू, डार्क ग्रीन एंड डार्क ब्लू कलर में, तो ये एक्स्ट्रा है तो मैं ये भी लेके आया हूँ। और नेक्स्ट है मेरा बुक, स्केच बुक, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ दिस, तो इसके बगैर तो गुजारा है नहीं, तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है कैनवस बोर्ड, जिस पे मैं कैनवस पेंटिंग या फ्लूइड आर्ट करता हूँ। तो ये है 12x16 का बोर्ड, जिस पे लाइक इस पे अभी मैं कैनवस पेंटिंग नहीं करूँगा, कैनवस पेंटिंग के लिए मेरे पास एक और छोटा कैनवस बोर्ड है फ्लूइड आर्ट के लिए, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ वो फ्लूइड आर्ट मैं कैसे करता हूँ। आप रेडी हो देखने के लिए, आ जाओ। बिफोर गाइज वी स्टार्ट द वीडियो, मैं आपको दिखा दूँ ये किट में क्या आया है, जो कि है एक कैनवस बोर्ड विच इज़ 8x8 का कैनवस बोर्ड है, जिसपे मैं फ्लूइड आर्ट करने वाला हूँ फर्स्ट। योर सेकेंड थिंग इज़ योर कलर्स, जिसके वजह से फ्लूइड आर्ट होगा, ये नहीं तो कुछ नहीं। ये है
एंड थर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज योर एप्रिन. अगर ये नहीं हुआ ना गाइज तो खलास. अगर कपड़े पे गलती से भी ये कलर लग गया ना तो निकलेगा नहीं. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैं कौन सा आर्ट बनाने वाला हूँ.